राइट और राइट नमस्ते जी दिस इज मनू अगेन फ्रॉम चार्टियंस एंड लेट्स लुक एट व्हाट मार्केट्स डू टुडे एंड व्हाट मार्केट्स कैन डू टुमारो आज मार्केट्स ने क्या किया और कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते मैं well, आज मार्केट ने क्या किया आज मार्केट ने कुछ नहीं किया मार्केट ने आज बहुत सताया हमको ठीक है आपको भी सताया रहेगा बिकॉज कोई प्राइज एक्शन कुछ नहीं बन रहा था कैसे भी यू नो मार्केट्स फॉर ट्रेडिंग इन दे आर ओन यू कैन से मूड एक टाइट रेंज में ट्रेड करा था मार्केट देखो और आप देखोगे तो पूरे दिन uh, एक साइडवेज काइंड ऑफ डे था ओके okay, विद बहुत सारे अप स्पाइक्स बहुत सारे डाउन स्पाइक्स भी आ रहे थे बट ना प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा था ना प्रॉपर ब्रेक डाउन हो रहा था तो ऐसे दिन पे क्या होता है ऐसे दिन पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं हमारे भी हिट हुए आज बट वी आर बीइंग वेरी स्टेंजी मतलब बहुत कंजूस है हम जब भी अपन लॉस करेंगे तो कम करेंगे ज़्यादा नहीं करेंगे ठीक है तो हमने वही किया हमारा टोटल लॉस आज पूरे दिन का वॉज माइनस पॉइंट्स ओके बट हमारे पास स्प्रेड्स भी थे तो स्प्रेड्स ने थोड़ा यू you नो know, हमको ब्रेक इवन पे लाके छोड़ दिया ओके बट देन ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नेगेटिव डे फॉर डिफरेंस बिकॉज उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स थे जो हमने लिए बट उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए बट हमने आज ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा किया नहीं टू बी ऑनेस्ट ओके सो लेट सी वॉट मार्केट्स कैन डू टूमोरो नाउ ओके अभी देखो डेली पे एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है अभी एक्चुअली जो सिनेरियो बन रहा है अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन वाइज तो थोड़ा बाइंग का बन रहा है ठीक है मैं सबको हटा देता हूँ बिकॉज अभी बहुत खिचड़ी बन गई है मार्केट में अब ठीक है ये हमारी ओरिजिनल रेंज थी एटीन थाउजेंड से लेकर सेवनटीन थाउजेंड दिस वाज आर रेंज ओके ना व्हाट वट ऑज ओवर यर सी एक अप ट्रेंड के बाद ओके okay, अब डोजी तो बनी है ओके okay, बट ये जो ये जो बुलिश कैंडल बनी है इसके बाद ये जो पुल बैक आया है ठीक है दिस इज मेकिंग लाइक अ बाइंग सिनेरियो फॉर मी राइट नाउ ओके तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है काइंड इसको इनसाइड बार भी बोलते हैं अगर आपको नहीं पता है तो तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है मतलब एटीन फोर के ऊपर अगर निकलती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटीन जा सकती है बट अगर इसके नीचे निकलती है सिमिलरली तो फिर वो हो जाता है डोजी आफ्टर एंड अप ट्रेंड मतलब नीचे आ सकती है मार्केट मतलब एटीन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स के नीचे मार्केट एक अच्छा डाउनफॉल भी दे सकती है एंड वो डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है डाउनफॉल आ सकता है सेवनटीन थाउजेंड नाइन ये जो हमारा आ, रीजन है ये एक सपोर्ट का, का काम कर सकता है ओके सो दिस विल बी माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसिस फॉर टमोोरो मतलब कल का आज का डे आए और आज का डे लो एक मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसिस काम करेगा कल ओके नाम एच जी एक्स निफ्टी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैं देख ही लेता हूँ कितना पे चल रहा है ओके एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज शोइंग प्लस फाइव पॉइंट सो आई एम 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 एक्सपेक्टिंग की अपन फ्लैट खुले ठीक है सो so अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करें देन वेट फॉर द फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स फिर सीधा सेवेंटीन थाउजेंड नाइन सेवेंटी आ सकता है ओके okay, उसके नीचे फिर uh, देख लेंगे क्या है उसके नीचे फिर सेवनटीन थाउजेंड एट सेवेंटी मतलब सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड भी एक अच्छा सपोर्ट uh, का, का काम कर सकता है मार्केट में ओके सो दीज आर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी टुमारो ओके बैंक निफ्टी देख लेते बैंक निफ्टी सिमिलर सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी बहुत यू कैन से कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में ओके न बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एक्चुअली सेम है फोर्टी टू थाउजेंड फाइव थर्टी फोर वुड बी द रेजिस्टेंस देखो यहाँ से ही मार्केट आज पलटी है ओके okay, एंड 42,123 okay this will be a ओके दिस विल बी uske सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी उसके नीचे support वन थाउजेंड बी दी इमीजियट सपोर्ट ओके देखो आज बैंक जो राइटर्स मैंने कल बात की थी देखो फोर्टी पे राइटर्स बैठे हैं 42,600 पे भी राइटर्स बैठे वो लोग पैनिक नहीं करेंगे जब तक 42,600 या 42,700 मार्केट जाता नहीं और दोज वर दी बिग मनी राइटर्स जिन्होंने पूरे दिन पूरा वीक मार्केट को फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के नीचे ही रखा और अप, अपने को लॉस होने दिया नहीं सिमिलरली सो दिस इज वॉट हैपन्स यू नो जब भी कोई बड़ा पैसा लगाया हुआ रहता है मार्केट में टू थिंग्स कैन हैपन जब भी बड़ा पैसा फंसता है तो शॉर्ट कवरिंग आती है बट अगर नहीं फंसता है तो यू यूगाइज कैन सी कि कैसा कंट्रोल करते हैं वो लोग मार्केट को यस आई अग्री इट इज गेटिंग डिफिकल्ट इनफैक्ट द लास्ट वीक वॉज दिस होल वीक वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रीड ऑन द मार्केट बिकॉज वॉट वॉज हैपनिंग एक दिन डाउनफॉल दूसरे दिन रैली तीसरे दिन बहुत सारे अप स्पाइक्स ओके डाउन स्पाइक्स मतलब कुछ एक डिफाइंड प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है मार्केट में ओके okay, सो so इस सिनेरियो में हमको क्या करना चाहिए इस सिनारियो में हमको एक ही चीज़ करना है हमको अपनी पोजिशन साइजिंग कम करनी है ओके okay, और हमको देखना है अगर नहीं समझ रही है मार्केट तो सबसे पहली बात तो आपको बाहर बैठ के शो देखना है ओके रोज ट्रेड करना है नेसेसरी नहीं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट मूव्स राइट नाउ इट इज ओके टू स्टे आउट ठीक है सो so, फिलहाल के लिए थिंग्स आर गेटिंग वॉलेटाइल बट वी विल सी क्या करना है अपने को स्प्रेड्स आर द वे टू गो आज हमने स्प्रेड्स में एक्चुअली तीनों स्प्रेड्स हम लोग ने ग्रीन uh, में क्लोज किया आज सो so, मेरे हिसाब से स्प्रेड्स थोड़े अच्छे से चलेंगे अभी ठीक है बट स्प्रेड्स कब चल कब लगाना है एक्सपायरी के एक दिन पहले लगाना है बिकॉज क्या हो रहा है कि ड्यू टू बजट ओके विक्स बड़ा है ओके okay, तो एक दिन पहले मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई विक्स इससे इसी इसकी रीजन की वजह से यू नो इफ़ यू गाईज डिप्लॉय स्प्रेड ऑन मे बी वेनजे देन द चांसेस ऑफ इट हीटिंग प्रॉफिट्स इज मोर ओके आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा बिकॉज थर्सडे अगर मार्केट यू नो सिमिलरली फ्लैट रही तो सो so, इसलिए अपन थोड़ा स्प्रेड पर फोकस करने वाले हैं फिर से अभी तक एटलीस्ट यू नो टिल मे बी रिलायंस के रिजल्ट आई थिंक कल है आफ्टर मार्केट ओके एंड देन uh, हमारा बजट भी आने वाला है अभी तो so, देखते हैं क्या है मार्केट अभी तक देखो रेंज में ही है बड़ी वाली रेंज जो एटीन है और सेवनटीन है यही रेंज में मार्केट है बहुत यू you नो know, ट्रबल कर रही है मार्केट नो डाउट अबाउट इट बट दिस इज़ मार्केट यू नो आई है वॉज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड यू नो हु हैज बीन विद हु हैज बीन इन दीज मार्केट्स फॉर यू नो यू कैन से मोर देन ट्वेंटी ईयर्स सो यू आर सेंग यू नो ये मार्केट कुछ नहीं है हमने देखी है तीन तीन साल की रेंज बाउंड मार्केट

एडजस्टमेंट स्टाइल ट्रेडिंग स्टाइल यू कैन से बिकॉज देखो अभी क्या हो रहा है ब्रेकआउट्स नहीं काम कर रहे हैं ब्रेकआउट्स पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो रिवर्स आ रहा है ठीक है ब्रेकडाउन पर भी अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो तो वो रिवर्स आ रहा है सो इट्स बेस्ट टू वेट फॉर पुल बैक्स ओके नंबर वन थिंग एंड इट्स बेस्ट टू ट्रेड वायर स्प्रेड ऑप्शन बाइंग थोड़ा कम करो ठीक है बिकॉज उतना ज़्यादा एक्यूरेसी अब लग रही नहीं है मेरे को ऑप्शन बाइंग में फिलहाल के लिए ओके okay? So I hope you guys, uh, you know, like this analysis. You guys liked uh, what markets are going to do going forward and uh, what uh, what markets are doing today. Okay. So I hope you guys like this video. Please hit that like button. Share it with your friends, guys. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Bye.